उदाहरण 12, दो अंकों वाली किसी संख्या में दोनों अंकों का अंतर 3 है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। दहाई का अंक बड़ा है। संख्या ज्ञात कीजिए। हम हल कर रहे हैं उदाहरण 12। प्रश्न में दिया गया है कि दो अंकों वाली किसी संख्या में दोनों अंकों का अंतर 3 है और साथ ही यह भी बताया गया है कि दहाई का अंक बड़ा है। तो यदि हम मान लें, माना कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है तब प्रश्नानुसार दहाई का अंक कितना होगा? x धन 3, क्योंकि उनमें 3 का अंतर है और दहाई का अंक बड़ा भी है। दहाई का अंक हो जाएगा x धन 3 होगा। इसे हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार। अब यदि हमारे पास इकाई का अंक x है और दहाई का अंक x धन 3, तो बनने वाली संख्या क्या होगी? इसे देख लेते हैं। इसलिए दो अंकों वाली संख्या कैसे बनेगी? यहां हम स्थानीय मान का प्रयोग करेंगे और जो विस्तारित रूप हम प्रयोग करते हैं उससे हम संख्या बना लेंगे। दहाई का अंक है x धन 3, तो 10 गुणित x धन 3, क्योंकि दहाई का अंक स्थानीय मान है ये। धन इकाई का अंक हमारे पास x है, तो इसे हम कहेंगे 1 गुणित x। बनने वाली संख्या, इसे हल कर ले, देखिए 10x और 10 का 3 से गुणा हुआ तो ये हो गया 30 और x का 1 से गुणा से हमें मिलेगा x। देखिए समान पद 10x और यहाँ पर धन x, तो हमें मिल गया 11x धन 30। इसे समीकरण 1 रूप में ले लेते हैं। इसका हल आगे देखते हैं। इकाई का अंक x और दहाई का अंक x धन 3 लेने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त हुई थी वह है 11x धन 30। अब प्रश्न में यह कह रहा है कि यदि हम अंकों के स्थानों को बदल दें, यानी इकाई के अंक को दहाई के अंक पे और दहाई के अंक को इकाई के स्थान पर रखें, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसे भी ढूंढ लेते हैं। इसके लिए हम पहले अब इस संख्या के अंकों को आपस में बदल देते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हो रहा है कि इकाई के अंक को हम कहां रख रहे हैं? इकाई के अंक को दहाई के अंक की जगह और दहाई के अंक को इकाई के अंक की जगह। इस पर लिखें हम तो क्या होगा? तो प्राप्त नवीन संख्या भी हम ढूंढ लेंगे। अब बराबर हो जाएगा, देखिए हमने क्या कहा कि जो हमारे इकाई का अंक x था वो अब दहाई का अंक है, यानी कि उसका स्थानीय मान के हिसाब से वो हो गया 10x और x धन 3 अब इकाई का अंक है, तो हम उसमें कहेंगे 1 गुणित x धन 3। चलिए आगे हल कर लेते हैं। अंकों के स्थान को आपस में बदलने पर हमें जो नवीन संख्या प्राप्त होगी वो हो गई 10x धन x धन 3। समान पदों को जोड़ ले हम तो हमें यहां मिलेगा 11x धन 3। ये हो गया
दूसरा समीकरण। अब देखिए कि प्रश्न में कहा गया है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका जोड़ हमें 143 मिलता है, मतलब अंकों के स्थान को बदलने से पूर्व जो संख्या मिली थी वह है हमारी 11x धन 30, और जो अंकों के स्थानों को आपस में बदलने के बाद जो संख्या हमको मिली है वो है 11x धन 3, और इन दोनों का योगफल जो दिया गया है वो प्रश्न में कह रहा है कि वो है 143। तो इस प्रकार हमें ये नया समीकरण मिल गया। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो देखिए 11x, और यहाँ पर भी हमारे पास 11x है, समान पदों को जोड़ लें तो ये हो गया 22x धन 30, और 3 यहाँ हमें मिलेगा 33 बराबर 143। इसे आगे हल करते हैं। देखिए 22x बराबर 143, और ये पक्षांतर से हमें मिलेगा -33, यानि हमें यहाँ पे मिलेगा 110, और ये हो गया 22x। चलिए आगे हल करेंगे। समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त हुआ था 22x बराबर 110। अब x का मान हमें ज्ञात करना है तो 22 का भी पक्षांतर कर देंगे तो हमें मिलेगा 110/22। 11 के पहाड़े से यदि हम इसे हल करें तो मिलेगा 11 × 22, और ये 11 × 11 = 11 यानी x का मान इसे पुनः हल करें, 2 के पहाड़े से हल कीजिए, 2 × 2 = 2, 2×5 = 10, यानी आपको मिला x का मान 5। x हमने किसको माना था? इकाई के अंक को, यानी कि इकाई का अंक हो गया हमारा 5। तब दहाई का अंक क्या होगा? इससे 3 अधिक, यानी कि 5 × 3, और वो मिला 8। तो फिर संख्या क्या हुई? जो संख्या हमें मिलेगी वो संख्या होगी, जब ये है आपका दहाई का अंक और ये है इकाई का, तो संख्या क्या होगी हमारी? 85। इस प्रकार इस प्रश्न में हमें जो संख्या ज्ञात करनी थी वह है 85। अतः यह प्रश्न हल हुआ। चलिए अब हम इस प्रश्न के उत्तर की जांच कर लेते हैं। अब यदि हम इसके इस प्रश्न में उत्तर की जांच करें तो जो संख्या हमें मिली है वो संख्या है 85, और प्रश्न में कहा गया था कि यदि इनके अंकों का स्थान बदल दें तो नवीन संख्या जो मिलेगी उसे 85 में जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो आप अपन इसको करके देख लेते हैं। उत्तर की जांच कहेंगे हम इसे, उत्तर की जांच। संख्या है 85, पलटने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 5 आ जाएगा दहाई के स्थान पर और 8 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। तो जो हमारी परिवर्तित संख्या होगी या नवीन संख्या हम क्या कहेंगे? 58। अब इन दोनों का जोड़ हम देखते हैं कि 143 आता है या नहीं। यदि वो 143 है तो हमारा उत्तर सही है। तो देखिए हमारे पास 8 × 5 = 13, 7 × 1 = 1, और 8 × 5 = 13 और 1 = 14, यानी कि इन दोनों का जोड़ 143 मिला। अतः हमारी जो संख्या हमें जो प्राप्त हुई है वह जो उत्तर है वह बिल्कुल सही है।